दर्शन करो कि दुख रोग या विरोध देकर आपको कितना वो मजबूत और सुयशस्वी करना चाहता है। अब इस कथा में एक मैं आपको हंसने की कथा बता दूंगा। 28 तारीख रात को सूरत से हम चले, 8 में 2 मिनट पहले सूरत छोड़ा। बड़ौदा से पहले थोड़ा रास्ता कटता है, नर्मदा किनारे अपना एकांत में आश्रम है, वहां कभी 60 साधु आते, कभी 80, कभी 10, कभी कुछ। उनको भोजन मिलता है, सेवा होती है, तो मैं साल में एक बार उधर भी जाता हूं। उस जगह का नाम है मूलेथा आश्रम, नदी से सटा है, नर्मदा नदी से। बड़ी शांत जगह है, पास में ही भगवान वेदव्यास जी का आश्रम था, अभी तो वो मंदिर है। वेदव्यास जी तो शास्त्रों के द्वारा आप हम सुनते हैं। उसके पास में उनके पुत्र सुखदेव जी का आश्रम भी है, अपने आश्रम के पास में, उसके परले किनारे। तो जगह मुझे सात्विक लगी, क्योंकि पूर्व काल में इतने महापुरुष उच्च कोटि के रहे, तो जगह तीर्थत्व से संपन्न है। तो जाते ही मन ऊंचाई में चला जाता है। तो रात को जाते जाते 10:07 मिनट हो गए थे सूरत से वहां आश्रम पहुंचने के बीच में। तो हमने कहा कहीं अंधेरी रात है, देहाती का चारा पक्का रास्ता। मैं कहा किसी से पूछ ले, उधर देखो लोग तो सर्दियों के दिन में 10 बजे तो देहात के लोग तो अपने घरों में या तो टीवी में। I'm
तो जानते हैं हमको तो कभी कुछ नहीं हो सकता, सारी दुनिया कुप्रचार के चक्कर में आ जाए, सारी दुनिया उल्टी होकर खड़ी रह जाए और हमको सूर्य पे भी चढ़ना पड़े फिर भी मेरा नुकसान नहीं होगा। मंसूर सूर्य पे चढ़े गए तो मंसूर को नहीं मार सके, मंसूर का शरीर मरा बैठा। शिवराज को जहर देकर पातकियों ने निंदकों ने मारवा दिया। गुरु नानक को दो बार जेल में डाला दो अंधों ने, खिलजी ने एक बार डाला जेल में और बाद में फिर बाबर के काम बढ़कर बाबर ने भी अपना कलम किया गुरु नानक को जेल में भेजा। तो इससे क्या नानक जी का नुकसान हुआ कि उन अबाबों का नुकसान हुआ, ये आपसे मैं पूछूंगा क्यों, मैं जानता हूं। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देख लो रावण गौरव जैसे कंस, चिंतित तो वो हो जो अपने लिए भविष्य अंधकार में बनाते, हम काहे को चिंतित होंगे। चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान, मेरे चिंते होत नहीं हरि को चिंते हुए, हरि चिंते हरि करे मैं रहूं निश्चिंत, मैं तो उसकी कृपा का दीदार करके मजा ले रहा हूं। वाह ये भी भेद वो भी भेद, भेद तो भेद ऐसा भेद मिट जाए धोखा वेगा ही है, तो हमारी तो बौद्ध भगवान के साथ दिल लगी होती और हम आपको भी सिखाते रहते। आप कभी कभी भगवान से दिल लगी कर लो कि महाराज आप हमारा बुरा भी कर सकते, हमारी भलाई के लिए हमें प्रतिकूलता दे सकते हैं, नरकों में भेज सकते, वो भी हमारे कल्याण और उद्धार के लिए भलाई के, आप हमारा बुरा भी कर सकते हैं और आप हमको अपने से अलग नहीं करते। ये कृपा की बात में सब मैं आप समर्थ हूँ, लेकिन इन दो बातों में महाराज आप बीच असमर्थ हो। क्या ख्याल है बबलू बबली माँ को कह दे के मैया मैया तुम बड़ी समर्थ हो शक्तिशाली हो, तुम चाहे तो मुझे रस्सी से बांध सकती हो, भूखा रख सकती हो, हाथ पैर तो सकती हो, तुम समर्थ हो, लेकिन मैया बड़ी कमजोरी है वहां, तू मेरा बुरा नहीं कर सकती है, तुम्हारा को क्या होगा गुस्सा लगेगा, अरे माँ का हृदय गदगद हो जाएगा, माँ बेवकूफी से गुस्सा कर देगी लेकिन भगवान में बेवकूफी कहां से लाओगी। भगवान को कह दो महाराज आप हमारा अहित नहीं कर सकते, अब हमको अपने से अलग नहीं कर सकते, आकाश मटके को अपने से अलग कर सकता है क्या, सोना अपने को गहनों से अलग कर सकता है क्या, सूत कपड़ा अपने को सूत कपड़े से अलग हो सकता है क्या, सूत अलग हो जाए तो कपड़ा नहीं है, हर्ष रूई सूत से अलग हो जाए तो रूई सूत नहीं है, इसमें तो अलग होने की इसमें गुंजाइश भी हो सकती है लेकिन आत्मा परमात्मा की अलग का गुंजाइश नहीं। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हो जाओ तुम गुरु की उपासना करके अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करो, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि प्रयान्ति ते, जो मेरी उपासना करते हैं उनकी बुद्धि में ये ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग के द्वारा उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती। आप कितने भी किताब एक साथ मिलकर पढ़ोगे कि इतना सार घर भी तो फिट हो जाए, ऐसा ज्ञान थोड़ी देर में सत्संग के बिना नहीं मिल सकता। मैं कितनी तपस्या किया या करता और भी करता उस जो किया उसे हजार गुनी करता, फिर भी मेरा फायदा इतना नहीं होता जितना मेरा सतगुरु के सत्संग से कल्याण